হাতে মাত্র আর কয়েকটা ঘন্টার অপেক্ষা, তারপরেই অযোধ্যার রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং ইতিমধ্যে তিনি আজকে সেখানে পৌঁছাবেন, এবং সেই কারণে কড়া নিরাপত্তায় ব্যবস্থায় মুড়ে ফেলা হয়েছে অযোধ্যা নগরীকে। ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন একেবারে সেজে উঠেছে রাম মন্দির, এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কিন্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। 22 জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন রয়েছে, রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে, এবং রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর বিষয়ে সরাসরি রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি বাসুদেবজি। বাসুদেবজি, অযোধ্যা মে নরেন্দ্র মোদী আ রহা হ্যায়, ক্যা নজর আ রহা হ্যায় উধার পে? जी बिल्कुल, बता दें कि अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन चुका है, और जो राम जी की मूर्ति थी वह भी स्थापित कर दिया गया है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उनके आगमन से पूरी अयोध्या में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, और यहाँ पे साज सज्जा किया गया है, डेकोरेशन किया गया, सजावट किया गया है, काफी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 7,000 भक्तगुरुओं को, VIP लोगों को आमंत्रण पत्र दिया गया है, और उनका भी आगमन शुरू हो गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में देश के जानी मानी हस्ती, सिनेस्टार अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, अंबानी, अडानी ग्रुप जैसे लोग आएंगे, और वहीं पर दूसरी ओर जगत गुरु महामंडलेश्वर धर्म गुरु का भी इस कार्यक्रम में आगमन होगा। कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां यहाँ पे की गई, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। हमारे साथ एक धर्म गुरु जी हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही है आप बताएंगे? यहाँ पे देवदूत के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी और एवं मुख्यमंत्री जी देवदूत के रूप में आए हुए हैं, और पूरे अयोध्या को भव्य रूप दिया है, खूब बढ़िया सजावट किया गया है। मंदिर का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह नजारा दिख रहा है, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पे भक्तों में हर्षोल्लास है, भक्तों में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, पूरे विश्व में राम मंदिर को लेके चर्चाएं हैं कि कितना बढ़िया सजावट किया गया है, कितना बढ़िया व्यवस्था किया गया है, राम जी को प्राण प्रतिष्ठा को लेके, और जन जागरूकता, और क्या बोलते हैं, सुबह सुबह सब लोग राम मंदिर के लिए परिक्रमा से लेते हुए हर जगह जो है यहाँ पे हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। बता दें कि वर्षों का जो संघर्ष रहा वह खत्म हो गया, भगवान रामलला का मंदिर बन गया है, मूर्ति भी स्थापित हो गई, बस इंतजार है कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। कुछ ही घंटे शेष है कि भगवान रामलला का उद्घाटन होगा कल। यहाँ पे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। हमारे साथ दूसरे धर्म गुरु है जो अपने मस्तक पर जय श्री राम का यहाँ पे नारा लगाए। क्या नाम है स्वामी जी आपका? हमारा नाम ज्योतिलाल लक्ष्मी नारायण जी। जी कहाँ से आप आए हैं? हम दिल्ली यूपी से आए हैं जी। जी किस तरह अयोध्या दिख रही है? अयोध्या कैसे? बहुत अच्छी दिख रही है। तो ये अयोध्या के धर्म गुरु हैं, प्रिस्ट हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, और साफ तौर से इनका कहना है कि अयोध्या में भगवान रामलला का जो मंदिर बन गया है, इससे पूरी अयोध्या का विकास हो रहा है, और काफी आकर्षक ढंग से सजाया और संवारा गया है, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। यहाँ के जो लोग हैं या बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, हर कोई हर्षित है, प्रफुल्लित है, क्योंकि 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा है उसके चलते यहाँ पे मंदिर बन गया है। जाते जे मोदी जी आसपे ने बोचे कारों ने कोरा निरापत्ता ही मोड़े फैला हुए थे, वो शेष शंगे शंगे चारों उन्नतों ना लोग को करा जाते। शुक्रिया बसुदेव जी।